अगर पौलुस ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया होता तो कहीं ना कहीं उसके काम में कमी दिखाई देती, कहीं ना कहीं वो प्रभु के काम में आनाकानी करता, कहीं ना कहीं वो अपना बचाव करता। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में और प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के दूसरे खंड के विषय में, सात कलीसियाओं के नाम पद। और अभी तक हम सीख रहे थे इफिसुस की कलीसिया के विषय में और आज जो है ये इफिसुस की कलीसिया का चौथा भाग है। जी हाँ, इफिसुस की कलीसिया के बारे में हमने बहुत सी ढेर सारी बातें करी थी और अभी इफिसुस की कलीसिया की और भी चीजें हैं जो खत्म नहीं हुई है। हमने पिछले संदेश में सीखा था इफिसुस की कलीसिया के बारे में ही, इफिसुस के दूत के समक्ष मसीह का विवरण या परिचय। मसीह इफिसुस के काम को जानता है और मसीह द्वारा इफिसुस के दूत के काम की प्रशंसा करना। आज हम इफिसुस के दूत के विषय में सीखेंगे। देखिए, पिछले संदेश में हमने इफिसुस की कलीसिया की जो रूपरेखा तैयार करी थी, जो आउटलाइन बनाई थी, उसके 11 भाग थे जिसमें से हम 7 भागों के पर बातचीत कर चुके हैं और आज जो है 8वें भाग के ऊपर या 8वें पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। जी हाँ, आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:1-7 पद तक आप पढ़ सकते हैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में। आप निकाल के बैठ जाइए, हम उसको स्टेप टू स्टेप जो है हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है इफिसुस की कलीसिया के माध्यम से। आज जो पॉइंट है 8वां पॉइंट है और यह है मसीह द्वारा दूत के काम की निंदा करना। यह है प्रकाशित वाक्य 2:4 पद। आपकी बाइबल खुली है, मुझे उम्मीद है आपने खोल रखी है। हम इस पद को पढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब यहां जो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसुस की कलीसिया के विषय में जो बात करता है, देखिए हम एक चीज और आपको पिछले संदेशों में बता चुके हैं कि जैसे जैसे हम इनके कामों का वर्णन सुनेंगे इफिसुस की कलीसिया के बारे में खासतौर से, वैसे वैसे हम इस नतीजे पर भी पहुंचेंगे कि इफिसुस की कलीसिया का जो दूत है वो पौलुस नहीं है बल्कि तीमुथियुस है। ये आज और भी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप बने रहेंगे इस वचन के अंदर। जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि इफिसुस की कलीसिया के दूत के बारे में बात हो रही है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब आप कहोगे कि ये पौलुस के बारे में है तो मैं इस चीज को नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि पौलुस जो था, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था तब वो कलीसिया को सता रहा था या कलीसिया के विरोध में था या प्रभु यीशु मसीह के काम के विरोध में था और उसके लोगों के विरोध में काम कर रहा था, वो एक अलग बात थी। क्यों? क्योंकि पौलुस जो था वो प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को अपने काम के लिए पकड़ा, अपनी सेवकाई के लिए पकड़ा, अपनी गवाही के लिए पकड़ा, तब से लेकर और अपनी मृत्यु तक कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह से या उससे प्रेम ना करता हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है यहां पर कि पौलुस जो है उसके प्रेम की कमी जो है वो दिखाई नहीं देती है। अब आप कहोगे कि कैसे? देखिए 64 AD में पौलुस जो है बंदी बना लिया गया। किसके लिए? प्रभु के लिए। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ उससे पहले कह रखा था कि तू जो है मेरे लिए बहुत कष्ट उठाएगा, जेल में डाला जाएगा, मार डाला जाएगा, और वो इस बात को अच्छे से जानता था। अगर उससे प्रभु से प्रेम नहीं होता तो वह अपना जीवन जो है ऐसे क्यों बर्बाद करता प्रभु के लिए, क्यों अपने प्राण दे देता? सबसे पहली चीज है, जब वो रोम के शासकों द्वारा बंदी बनाया गया और 64 AD में बंदी बनाकर उसे रोम ले जाया गया, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। और आप क्या जानते हैं कि उस समय रोम के लोग जो थे बहुत कड़ी सजा देते थे, बंदी बनाकर जब रखते थे, बहुत सी ऐसी यातना है, अगर मैं इसका वर्णन करूं तो बहुत समय निकल जाएगा, फिर कभी मैं रोम के उन शासकों की क्रूरता के विषय में बात करूंगा जिनको बंदी बना लिया जाता था या जो रोम के खिलाफ होते थे, अगर वो पकड़ लिए जाते थे कैसी कैसी भयंकर यातनाएं दी जाती थी।
इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे, मगर परमेश्वर का वचन जो बात करता है, जो इतिहास बताता है पौलुस के बारे में कि 67 एडी में पौलुस को क्या करा गया, मृत्युदंड दे दिया गया, मार डाला गया, उसके तलवार से उसकी गर्दन को काट डाला गया। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जेल में गया, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए, ये प्रेम नहीं है पौलुस का प्रभु के प्रति तो क्या है? तो इन बातों को देखने से ये नहीं लगता है कि पौलुस ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अगर पौलुस ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया होता तो कहीं ना कहीं उसके काम में कमी दिखाई देती, कहीं ना कहीं वो प्रभु के काम में आनाकानी करता, कहीं ना कहीं वो अपना बचाव करता कि मैं इन बवाल से बचूं, मैं इन मुसीबतों से बचूं, मैं इन कष्टों से बचता फिरूं। मगर पौलुस तो ऐसा उसने कहीं पर भी, आप पूरा पौलुस के बारे में पढ़ लीजिए, उसकी पत्रियों के बारे में पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम में पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता लेश मात्र भी कि पौलुस ने प्रभु के काम में आनाकानी करी या उन कलेशों को या उन सताओं के द्वारा उसने अपना बचाव किया गया। कहीं बचाव नहीं किया उसने। और इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि इफिसुस की कलीसिया का दूत जो है वो पौलुस नहीं है, क्योंकि पौलुस प्रभु से बहुत प्रेम करता था। फिर आप कहोगे कि इफिसुस की कलीसिया का दूत जो है वो कौन है? मैंने पहले बताया कि तिमोथियुस है। अब कैसे है, इन चीजों को जो है वो देखेंगे। आइए हम बात करते हैं 9 पॉइंट के ऊपर, जो है मसीह द्वारा इफिसुस के दूत को सम्मति देना। ठीक है, यानी सम्मति देना, काउंसलिंग करना उसकी, और किस तरीके से वो काउंसलिंग करता है इफिसुस के दूत की। पहले हम इसका 5वां पद पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5वां पद। यहां लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कि वो इफिसुस के दूत की काउंसलिंग करता, उसको सहमति देता, वो कह रहा है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है। अब विरोध में क्या बात कहनी है कि तू कहां से गिरा, देख तू कहां से गिरा। देखिए यहां पर जो है इफिसुस के जो दूत है उसके जीवन में 2 बातें देखने को मिलती हैं। पहली बात कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। दूसरी बात, देख तू कहां से गिरा। तू कहां से गिरा का मतलब क्या है कि तेरा काम किस स्तर पर था और किस स्तर से तू मेरा प्रशंसक था। मैं तेरी प्रशंसा करता था, तेरे काम की प्रशंसा करता था, मैं तुझसे बहुत खुश होता था, तू मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठा हुआ था और देख आज तू कहां गिर गया है। और ये बात जो है बिल्कुल तिमोथियुस पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब आप कहोगे कैसे, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप जब हम चीजों को समझते हैं तब हमें समझ में आता है, हाँ परमेश्वर का वचन क्या बातचीत कर रहा है और हमसे क्या बात कह रहा है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैंने तिमोथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है, वे तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। अब देखिए यहां पर पौलुस क्या बात कर रहा है, पौलुस तिमोथियुस को क्या बता रहा है कि तिमोथियुस कौन है, वो मेरा प्रिय है और वो विश्वासयोग्य है। देखिए प्रिय है, प्रिय का मतलब क्या होता है, सबसे प्यारा। और विश्वास योग्य क्यों, सबसे प्यारा क्यों, विश्वास कर रहा है क्योंकि पौलुस बताता है कि वो जो है उसके चरित्र के बारे में बहुत बारीकी से जानता है। आप सोचिए कि पौलुस और तिमोथियुस ने कितनी बारीकी के साथ और कितना काम किया होगा एक साथ। देखिए जब तक आप किसी के साथ एक साथ काम नहीं करते हैं आप उसके चरित्र को अच्छे से नहीं समझ सकते। पौलुस कह रहा है ये मेरे चरित्र को जानता है, बहुत अच्छे से जानता है और इसलिए ये मेरे चरित्र के बारे में आपको बताएगा। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। और फिर क्या लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 16:10 जब आप पढ़ेंगे लिखा है, यदि तिमोथियुस आ जाए तो देखना कि वे तुम्हारे यहां निडर रहे ताकि वे मेरे समान प्रभु का काम करता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो मेरे समान प्रभु का काम करता है। अब बड़ी समझने वाली बात है, पौलुस क्या कह रहा है,
पौलुस कह रहा है कि वो मेरे साथ क्यों, उसके चरित्र को क्यों जानता है, क्योंकि उसने पौलुस के साथ बहुत काम किया है, पौलुस के साथ बहुत समय बिताया है, पौलुस के साथ बहुत समय तक रहा है वो, और इसलिए वो पौलुस की हर बात के बारे में और उसके हर काम के बारे में अच्छे से जानता है, और इसलिए तिमुथियुस जो है पौलुस के समान पौलुस की तरह काम करता है, जिस तरीके से पौलुस करता है, जिस तरीके से पौलुस गलत लोगों से नफरत करता है, जिस तरीके से पौलुस गलत लोगों को नहीं देख सकता, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए चेले क्यों ना हो, अगर कुछ गलत देखता है तो वो मुंह पे बोल देता है, और यही बात तिमुथियुस की है, क्योंकि वो उसके समान काम कर रहा है, जैसे वो कलीसियाओं की स्थापना करता है तिमुथियुस भी करता है। यहाँ परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बता रहा है, बड़ी समझने वाली बात है कि अब यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि तिमुथियुस जो है किसके समान काम कर रहा है, पौलुस के समान काम कर रहा है। जी देखते हैं परमेश्वर का वचन कि आगे क्या बात करता है। अब वही पौलुस 66 एडी में तिमुथियुस को रोम में, देखिए पौलुस क्या है 66 एडी में कहां पर कैद है, 64 एडी में बंदी बनाकर चला गया रोम, और 66 एडी में वो कहां पर है, रोम में कैद है, और वहां से वो जो है तिमुथियुस को लेटर लिखता है, अब पत्र लिखता है, और उसको उसको समझाता है, उसके काम के बारे में समझाता है, और तिमुथियुस को व्यक्तिगत निर्देश देता है, व्यक्तिगत तरीके से उसको समझाता है। अब क्या समझा रहा है, यह हम परमेश्वर के वचन से ही पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है किस बात की चर्चा करता है। आप निकाल सकते हैं पहला तिमुथियुस 6:11-14 पद तक, पहले हम पढ़ लेंगे 11-14 पद तक। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखे। देखिए पौलुस क्यों समझा रहा है, अब एक जगह पौलुस कह रहा है, कुरिन्थियों में पौलुस पत्र लिखता है और वो कहता है कि ये मेरे समान काम कर रहा है, और यहां पर उसे समझाने की जरूरत पड़ती है। अब यहां क्या समझाता है, यहां देखिए सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं ना 11वें पद में, वो क्या जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, पौलुस जो है उसे परमेश्वर का जन बता रहा है। अब 11वें पद में और भी बहुत सी बातें हैं, यहां लिखा है इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। अब किन बातों से भागने के लिए बात कर रहा है और क्यों पौलुस को यह कहना पड़ रहा है कि तू इन बातों का पीछा कर, कौन सी ऐसी बातें हैं कि उनसे भागने के लिए कह रहा है, देखिए अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है पौलुस जानता है कि उसने जो है पहला सा प्रेम करने का मतलब क्या है। देखिए प्रभु से पहला सा प्रेम छोड़ दिया, छोड़ देने का मतलब क्या है कि हमने प्रभु के लिए वो काम करना, प्रभु की बातों को मानना जैसा हम पहले मानते आए हैं, बड़ी दृढ़ता पूर्वक जो विश्वास था हमारा, जो काम में एक दृढ़ता थी हमारे और हमेशा तत्पर रहते थे काम करने के लिए, या इफिसुस के दूत के अंदर जो है वो अब चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, और इसलिए पौलुस भी उसको ये समझाने के लिए लिखता है। और क्या लिखता है 12वां पद जब आप पढ़ेंगे, लिखता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। देखिए हम पद पढ़ चुके हैं, अब यहां पौलुस को क्यों कहना पड़ रहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, हालांकि वो तो अच्छी कुश्ती को लड़ रहा था, एक अच्छा फाइटर था वो, और प्रभु के काम के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी टेंशन आए, कितनी भी मुसीबत आए, सबसे लड़ भिड़ कर सब बातों से, और वो प्रभु के काम को प्राथमिकता देता था, मगर यहां उसके काम में कमी जो है वो देखने को मिल रही है, इसलिए पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब 13वां पद देखिए क्या है, ये आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के प्रकट होने तक आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। तो कहीं ना कहीं तिमुथियुस के जो प्रभु ने आज्ञा दी है या जो पौलुस ने भी उसको आज्ञा दी प्रभु के काम के लिए, या प्रभु जैसा चाहता है कि तिमुथियुस ऐसा काम करे, कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है,
कहीं ना कहीं कोई बात है कि वो उस आज्ञा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आज्ञा जो है वो कलंकित हो रही है। इसलिए वो कह रहा है कि जब तक प्रभु ना आए तब तक उस आज्ञा को क्या रख, लिखा निष्कलंक रख। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है। अब किसको निर्देश दिए जा रहे हैं? तिमिथियुस को दिए जा रहे हैं। जी हाँ, फिर क्या लिखा है? अब इसी का 17वां पद जरा ध्यान करेंगे। पहले तिमिथियुस 6 अध्याय उसका 17वां पद, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ भताई से देता है। अब देखिए यहां पर क्या है, पौलुस क्यों कह रहा है कि इन धनवानों को आज्ञा दे कि वो ऐसे धन पर जो आज है कल नहीं है, नाश होने वाला है और परमेश्वर के राज्य में धन का कोई भी प्रयोग नहीं है, और हमें ज्यादा धन लेने से या ज्यादा धन बटोरने से हमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि तिमिथियुस जो है धनवानों के धन से प्रभावित हो गया, इसलिए वो उनको कोई ऐसी शिक्षा नहीं दे रहा। विशेष रूप से वो कह रहा है कि तू उनको ये शिक्षा दे। अब देखिए क्या शिक्षा देने का मतलब है, धनवानों को आज्ञा दे लिखा है परमेश्वर के, कि उसको जो है परमेश्वर के सुख को वो जाने कि परमेश्वर जो है सब कुछ बहुतायत से देता है, इसलिए परमेश्वर पे आशा रखें ना कि संसार के धन पर आशा रखें। अब इसी का 20 और 21 पद जो है जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है, हे तिमिथियुस इस धरोधर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बगवात और विरोध की बातों से परे रह, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। अब देखिए यहां पर पौलुस जो है तिमिथियुस को क्या समझा रहा है, इस धरोधर की का मतलब क्या कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है, जो कलीसियाएं तुझे दी हैं, जो लोग तुझे दिए हैं, उनको क्या कर, उनकी रखवाली कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास से भटक ना जाए, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सही में जब परमेश्वर ने जिन सेवकों को लोग दिए हैं, कलीसिया दिए हैं, और कि उनकी रखवाली करें, तो बड़े तात्पर्य के साथ, बड़े चौकन्ने होने के साथ, बड़े सावधानी के साथ जो है परमेश्वर की कलीसिया की, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के विश्वासियों के विश्वास की रखवाली करनी चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि हम वचन से हैं या नहीं है। खासतौर से दूत को पहले यह देखना चाहिए कि वो प्रभु के वचन में है या नहीं है, उसके बाद देखना चाहिए कि जो कलीसिया प्रभु ने मुझे सौंपी है, जो लोग प्रभु ने मुझे सौंपे हैं, जो विश्वासी प्रभु के मेरे हाथ में है, क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है। या कहता है और क्या कहता है कि उस ज्ञान से, देखिए वो बहुत सा ऐसा ज्ञान है परमेश्वर के वचन से जो है, मैं वही बात कर रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में ही बहुत से लोग अपना ज्ञान जो है वो रख देते हैं, अपनी बातें रख देते हैं, अपनी सोच अपनी समझ रख देते हैं, और अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर के वचन का मकान करते हैं। कहते वो ज्ञान नहीं है। और क्या ज्ञान नहीं है, जो कौन सा ज्ञान, ज्ञान की बात कर रहा है कि उसके अशुद्ध बकवाद लिखा है और विरोध की बातों से परे रहे, जिससे विरोध पैदा होता है, उन बातों से परे रहे। परमेश्वर कह रहा है ये परमेश्वर का वचन जो है बकवास करने के लिए नहीं होता है, बल्कि जीवन में ग्रहण करने के लिए और जीवन को यीशु मसीह के जीवन में, बहुतायत के जीवन में, उन आशीषों में परिवर्तित करने के लिए होता है। मगर लोग जो है बहस लगे रहते हैं, आज जैसा मैं पिछले संदेश में भी कह चुका हूं, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के ऊपर, एक पास्टर दूसरे पास्टर के ऊपर, एक प्रभु का सेवक दूसरे प्रभु के सेवक के ऊपर लाक्षण लगाए रहता है, नहीं वो गलत है, वो परमेश्वर के वचन से गलत है, हम सही हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। ये सब बातें प्रेम को नहीं दर्शाती हैं, ये सब बातें जो है परमेश्वर के विरोध में होती हैं, इन सब बातों से बकवास पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। और ये विरोध जो होता है, जब एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के विरोध में खड़ी होती है या दोष लगाती है, तो सेवक तो खड़े हुए हैं, उनके साथ साथ लोग भी एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं, फिर वहां पर क्या होता है, मसीह का प्रेम खत्म हो जाता है। पौलुस जो है तिमिथियुस को यही चीज समझाना चाह रहा है और वो यही बात बताना चाह रहा है, और लिखा है कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से क्या है, भटक गए हैं।
बेसिर पैर की बातों को लेकर परमेश्वर का जो परमेश्वर का वचन जैसा है वैसे ही बात करनी चाहिए। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर के वचन को या ज्ञान को जो है लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। जो सही है वही परमेश्वर के वचन से लोगों को देना चाहिए और बांटना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है, जैसा कि हम पहला तिमिथियुस और 6 अध्याय उसका 3-4 पद भी जरा मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ क्या लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है जिससे ढहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह जो है वो सब चीजें जो है वो उत्पन्न होते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, देखिए बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि अगर कोई और ही प्रकार का उपदेश देता, और ही प्रकार का उपदेश क्या है, आपके परिवार में आपके घर में या आपके कलीसिया में बहुत से पादरी आते हैं, बहुत से सेवक आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं, परंतु वो बात कहीं की कहीं और सुनाते हैं। कोई कथा कहानी सुनाने लगता है, कोई अपनी आपबीती सुनाने लगता है, कोई अपनी ही गवाही में अपनी ही प्रशंसा करने लगता है। और ये सिर्फ कलीसिया के लोग नहीं, पादरी भी अपनी प्रशंसा अपने आप करने लगते हैं, अपने गवाही ऐसी देने लगते हैं कि उसमें पादरी की प्रशंसा और प्रभु की कम और पादरी की प्रशंसा ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें जो हैं इनसे क्या होता है। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं वचन से तो तर्क और वितर्क की बातें करते हैं, तर्क और वितर्क, और ये तर्क और वितर्क में क्या होता है, इससे कुछ नहीं सिर्फ विवाद उत्पन्न होता है। और जब विवाद उत्पन्न होता है तो लोग क्या होते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग क्या होते हैं, वो भटकते रहते हैं, सही क्या है, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। और ऐसी संसार के अंदर ऐसी बहुत सी आत्माएं आज भटक रही हैं कि परमेश्वर का सही वचन उनके पास तक पहुंच नहीं रहा, उनके जीवन तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि सब अपनी ढपली बजा रहे हैं, सब अपनी दुकान में रखी चीजों को जो है उत्तम बता रहे हैं। आज यही चीज है कि नहीं साहब, हमारी कलीसिया जो है वो प्रभु की कलीसिया है, वो वाली जो कलीसिया है वो प्रभु की नहीं है, वो शैतान की कलीसिया है, दूसरा उस पे कह रहा है, तीसरा उस पे कह रहा है। प्रभु चीख चीख के परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यही जो है इफिसुस की कलीसिया के समय में हो रहा है, जिसका जो सेवक है, जिस जो दूत है वो तिमिथियुस है, और तिमिथियुस को यही चीज समझाई जा रही है जो आज बहुतायत से कलीसियाओं में देखने को मिल रही है। वो कह रहे हैं इन बातों को खत्म कर ताकि लोग विश्वासी बने और प्रभु के पास और प्रभु के नजदीक आए। अब देखिए यहां पर जो है दूसरा तिमिथियुस जो है और उसका 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ना चाहूंगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, इन बातों सुधी उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना क्या करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, बिगड़ जाते हैं। तिमिथियुस को क्या बता रहा है, इसका मतलब तिमिथियुस जो है वो भी तर्क वितर्क में जो है फंसता चला जा रहा है। देखिए हमें तर्क वितर्क में नहीं फंसना है, मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं, जब कोई तर्क वितर्क की बात करता मैं कहता तर्क वितर्क नहीं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा उस तरीके से आप बात करें। अगर आपको मालूम है आप कोई भी तर्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में तर्क देना या उसका वितर्क करना ये बहुत गलत है, उससे क्या होता है लोग बिगड़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, और यही होना चाहिए। और तिमिथियुस के अंदर ये कमियां दिखाई दे रही हैं, और इसलिए प्रभु कह रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया और देख तू कहां से गिरा, तू इतना अच्छा काम करता था, इतना कॉन्फिडेंस के साथ काम करता था, इतने विश्वास से भरे होकर काम करता था, और आज तू क्या कर रहा है, तर्क वितर्क में फंस गया, लोगों के बकवास में फंस गया, आज विरोध की बातें जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। क्यों हो रही तेरे अंदर वो विरोध की बातें उत्पन्न, इसलिए इन बातों को खत्म कर। तो कहने का मतलब क्या है, पौलुस के अंदर ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, तिमिथियुस के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए पौलुस जो है वो इफिसुस की कलीसिया का दूत नहीं है बल्कि तिमिथियुस है, क्योंकि तिमिथियुस को जो है वो समझाया जा रहा है, ना कि पौलुस को समझाया जा रहा है। ये बड़े ध्यान देने की बात है। अब समति की बात करते हैं, लिखा मन फिरा और पहले के समान काम कर, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं
तेरे पास साका तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए ये प्रकाशित वाक्य 2:5 हमने जब पढ़ा था उसके अंदर ये बात लिखी है कि सम्मति से पहले वो उसको क्या कह रहा है कि मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। तो अभी हमने विरोध की बात करी, अब उससे जो है मन फिराने की बात कर रहा है। जब हम मन फिराने की बात करने का मतलब क्या है कि ये जो बेकार की बातें हो रही हैं, ये जो तर्क वितर्क की बातें हो रही हैं, ये जो विद्रोह की बातें हो रही हैं, ये जो विरोध की बातें हो रही हैं, इनसे जो है अब मन फिरा, इनसे दूर हट, अपने मन को हटा और प्रभु के कामों में अपने मन को लगा, जैसा तू पहले करता आया है, जैसा तू पहला सिखाता आया है, जैसा तू पहला उपदेश देता आया है, जिस तरीके से पहले जैसा काम करता है अब तू वैसा। और जब मन फिराने की बात आते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे ना, मरकुस 1:14-15 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहले संदेश देना शुरू करा उसने मन फिराव का दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है जब वो प्रचार करता है तो वो भी मन फिराव का देता है। देखिए सबसे बात जरूरी है मन फिराने की। जब हम मन फिराते हैं, जब हम बुरी बातों से, बुरी चीजों से, तर्क वितर्क से, व्यर्थ की बातों से, दोष लगाने वाली बातों से जब मन फिरा लेते हैं तो हर एक कलीसिया, हर एक प्रभु का सेवक जो है वो क्या होता है, वह हम सब जो है भाई की कैटेगरी में आ जाते हैं, भाई बहनों की कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रभु में हम लोग भाई बहन हो जाते हैं और भाई बन जाते हैं। और प्रभु यही चाहता है इन सब बातों से जो व्यर्थ की बातें हैं, जिनसे तर्क वितर्क और विरोध की बातें हो रही, इनसे मन फिराना है। और वही चीज जो है वो उसको समझाई जा रही है इफिसुस की कलीसिया के दूत, अर्थात किसको, तिमोथियुस को। जी हाँ, उसको समझाई जा रही है और लिखा है ना पहले के समान काम कर। जी हाँ, पर लिखा ना जब हम प्रकाशित वाक्य 2:4-5 पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है इफिसुस के दूत को जो है वो कैसे, यानी तिमोथियुस को कैसे समझा रहा कि पहले के समान काम कर। देखिए पौलुस क्या है, उसके काम की प्रशंसा कर रहा है। हम पिछले पदों में पढ़ चुके हैं, कुरिन्थियों में भी पढ़ा है हमने, लिखा है कि वो मेरे समान काम करता है। जी हाँ, तिमोथियुस मेरे समान काम करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू पहले जैसा काम कर जैसे पहले करता था। अब वही काम करने की आवश्यकता है, उसी काम में बने रहने की जो है हमें आवश्यकता है। फिर क्या लिखा है यहां, ध्यान देने की, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:20 में हमने पढ़ा था दीवट का मतलब क्या है, कलीसिया। यानी अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं क्या करूंगा, तेरे दीवट को, अब ध्यान देना, तेरी कलीसिया को क्या करूंगा, उसके स्थान से, किसके स्थान से, दीपक के स्थान से हटा देगा। अब इसका मतलब क्या, दीपक के स्थान से हटा देगा तो दीपक कहां है, देखिए ये कलीसिया मान लीजिए और ये दीपक है। अब दीपक यहां रखा है तो किसको हटाएगा, दीपक को हटाने की बात नहीं कर रहा है, और दीपक गिर भी नहीं सकता है अगर कलीसिया अब यहां पर टिका हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कलीसिया को हटा देगा, समाप्त कर देगा उस समय के लोगों को, क्योंकि उस समय के लोगों में क्या हो गया, तर्क वितर्क का रोग हो गया है। वहां पर लिखा ना तर्क वितर्क का रोग है, उनको रोग कर, तर्क वितर्क करने का रोग है उनके अंदर जो है, वो रोग हो गया है। और क्या लिखा हुआ है कि वो विरोधी हो गए हैं और बकवास करते हैं, परमेश्वर के वचन में कम और बकवास ज्यादा करते हैं। आज सेम पोजीशन जो है जो इफिसुस के अंदर दिखाई देती है, आज बहुतायत से जो है इन सभी कलीसियाओं के अंदर दिखाई देती है। ये सारी बातें जो आज इफिसुस के अंदर हम देख रहे हैं ना, जो सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, जो प्रभु कह रहा है, आज सही में ये बिल्कुल बातें जो हैं बिल्कुल दिखाई दे रही है। जब हम बात करेंगे ना आज के समय के लोगों की, उसमें तो और भी भयंकर बातें हैं, इतनी भयंकर बातें हैं कि समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे कि इसका मतलब तो हम कलीसिया ही छोड़ दें, हैं हम ऐसे ही प्रभु के बने रहें और यही बहुत अच्छा रहेगा। सही बात है, इतनी विद्वत्ते हो गई, इतनी राजनीति हो गई, इतनी कुनीति हो गई है, कूटनीति हो गई है, बहुत ज्यादा जो है परमेश्वर का काम कम हो रहा है। और यहां पर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मैं कलीसिया को हटा दूंगा, दीवट यही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, दीवट जो है यानी दीपक, सॉरी दीपक यही रहेगा और दीवट को हटा देगा, यानी कलीसिया को हटा देगा। इसका मतलब क्या है, किसी और को लाकर यहां पर खड़ा कर देगा आपकी जगह। अब सोचिए आपके समय के लोगों के समय में किसी और को लाकर यहां पर खड़ा कर देगा तो कितने शर्म की बात होगी कि वो लोग हट गए। यही चीज समझाना चाहते हैं परमेश्वर का वचन जो है आज के समय के लोगों को, मुझे और आपको समझाना चाहता है, इफिसुस के लोगों को समझाना चाह रहा था, इफिसुस की कलीसिया के दूत को समझाना चाह रहा था, ताकि वो अपने लोगों को समझा सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हो सकता है बहुत सी मेरी बातें आपको गलत लगती हो,
मगर स्पष्ट बात करना, साफ शब्दों में, कोई तर्क वितर्क नहीं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं कोई भी तर्क वितर्क वाले सवालों का जवाब नहीं देता हूं। परमेश्वर के वचन से अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो बात है। आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हैं, मेरे बारे में क्यों आप जानने के इच्छुक हैं? मेरे बारे में नहीं, प्रभु के बारे में जानिए, क्योंकि प्रभु के राज में आपको प्रवेश करना, मेरे राज में नहीं, क्योंकि मैं खुद प्रभु के राज में प्रवेश करूंगा। और अगर मैं प्रभु में होऊंगा तो देखिए, स्पष्ट बात है, अगर मैं प्रभु में होऊंगा, प्रभु की नजरों के अनुसार, प्रभु की दृष्टि के अनुसार, अगर नहीं होऊंगा तो मैं भी फिर बाहर हूं परमेश्वर के राज से। ध्यान रखिए, तो ध्यान हमें ये रखना है कि हमें प्रभु के बारे में सीखना है, प्रभु के बारे में जानना है, और जैसा प्रभु चाहता है वैसा काम करना है, वैसा विश्वास करना है, वैसे ही प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। और इसी दृढ़ता के साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।